नमस्कार मेरे सभी भाइयों और उनकी बहनों का। तो दर्शकों, मैं हूं आनंद खड़ा हुआ। आज आपका स्वागत करते हैं आप भी छुटिया होके प्रोग्राम में। तो आज हमारे सवालों का जवाब देने महान महान और महान नहीं है, बल्कि नीच कुत्ता कमीना इंसान है, ऐसा उनको पब्लिक बोलती है। वो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे सवालों का जवाब देने आएंगे। तो स्वागत करते हैं, महान नहीं है वो चोदू दादा का, मतलब चोरू दादा का। तो चोरू दादा के लिए गालियां, मतलब तालियां। तो स्वागत करते हैं चोरू दादा का। आइए सर, फैल जाइए कुर्सी पर, मतलब बैठ जाइए कुर्सी पर। शुक्रिया शुक्रिया। तो चोदू दादा, मतलब चोरू दादा, हमने सुना है कि आपका इस शहर में बहुत नाम चलता है, काफी जाने माने गुंडे हो आप इस शहर के, तो आप बताइए क्या कहना है आपका इस बारे में। जी हाँ, अपू निजे इधर का सबसे बड़ा गुंडा, लोग अपुन का नाम लेने से भी डरते हैं। क्या बोला रहे दादा? वो रिक्शा वाला बाहर 150 रुपया वो भाड़े का मांग रहा है, आप उधर से आए, उधर का मांग रहे लाए 150 रुपया। तो साले तू नहीं दे सकता था क्या दादा? सुबह 20 रुपया पड़ा था, वो भी तुमने चाय के लिए मेरे पास से छीन लिया। अभी कुछ भी नहीं है दादा, आप उनके पास देख लो तुम। ठीक है ले साले के मुंह पे मार जाओगे, बताओ इतनी अपनी पावर कैसी है। रुक जाओ ले। ठीक है दादा, ठीक है दे देता हूँ। ठीक है, अब आप बताओ, बोल क्या बोल रहा दादा तू? तो चोदू जी, मतलब चोरू जी, हम जानना चाहेंगे आपका नाम चोरू कैसे पड़ा, आप बताना चाहोगे? अपुन बताता है, देख उसमें क्या ना, जब अपुन छोटा सा था ना मेरा भाई, तब अपुन के एरिया में एक अमीर, मतलब बहुत महंगी गाड़ी में एक आदमी आया था। अपुन को पता नहीं था, अपन ने उसका क्या करा, जैसे ही साइड में खोपचे में देखा, अपुन ने तुरंत उसकी चेन छीन ली, उसके गले में चेन थी। चेन छीनने के बाद अपुन निकला अपनी गली को, इतने में फिर बाद में मुझे को पता चला कि वो साला एरिया का MLA निकला। अब वो MLA ने क्या करा, पुलिस को फोन करके हरामी ने मेरी गांड तोड़वा दी, बहुत ज्यादा जूते दिलाए, मेरी गांड की कचुम्बर बना दिया कचुम्बर। तो उस दिन से सब मेरे को चुरा बोलने लगे, चोर चोर चोर। तो बस उसी दिन से अपुन ने नाम रख लिया अपुन का चोरू दादा। क्या दादा? तो चोरू जी ये बताइए, आपने बुराई की दुनिया में कदम रखने का और यहाँ मरने का और हम लोगों को हैरान करने का, यानी कि आपने बुरा बनने का विचार कैसे बनाया, आप बताओगे थोड़ा कि आप बुरे क्यों बने? तो उसमें क्या है ना मेरा,
उन्होंने अपन से वादा लिया था कि जब तू मरेगा तो दुनिया के मां चोट देना, ऐसा बोला था मेरी माँ ने। तब से अपन सबकी गांड में उंगली करता है क्या? अबे साले क्या बोला रे, क्या बोला? मतलब सलाम है आपकी माता श्री को। वैसे करती क्या थी आपकी माँ? नहीं रे, अपन की माँ बहुत ही शरीफ थी, बहुत शरीफ थी अपन की माँ। बस वो तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा दारू पी लेती थी, थोड़ा कभी कभी गांजा फूंक लेती थी और गली के बुड्ढों को छेड़ देती थी। बाकी उसके सिवा मेरी माँ बहुत बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी थी मेरी माँ। अच्छा, इसीलिए बहुत जल्दी ऊपर चली गई। क्या बोला है? क्या बोला? मेरा मतलब काफी शरीफ थी आपकी माँ। हाँ वो शरीफ थी, बहुत बहुत काफी शरीफ थी मेरी माँ। बहुत लोग उसकी तारीफें करते थे, बहुत शरीफ थी मेरी माँ। अच्छा, आपके गले में सोने की चेन काफी महंगी दिख रही है, कितने की खरीदी बताइए? अरे वो तो बस अभी जो अंदर आ रहा था तो उधर एक कांच के पास एक बुड्ढा खड़ेला था, मोबाइल पे बात कर रहा था। अच्छी लगी अपन को, तुरंत ही खींच ली। क्या कर लेता बुड्ढा, उसके कान के नीचे खींच के और दी मैंने। क्या यार, जो उसका है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। अरे वो तो मेरे पापा की चैन थी, पापा की चैन, मेरे पापा की चैन। वापस दे दो मालिक, मालिक वापस दे दो चैन, दे दो मालिक। अरे घंटा मिलेगी चैन साले, तेरे को चैन चाहिए? दू चैन। अच्छा तो दादा एक बात बताइए, आप दाऊद को जानते हो? दाऊद को जानता है मैं, उसको दोस्त है अपना। वो ही ना जो बचपन में चाय बेचा करता था, सफेद सफेद दाढ़ी है जिसकी। अरे वो जिसने पटाखा फोड़ा था, वो ही ना। जानता है मैं उसको, जानता है। अबे साले। क्या बोला अबे साले? मेरा मतलब अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत संस्कारी हो आप, बहुत ज्ञानी हो। नहीं, आपके जैसा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं, बहुत ज्ञानी हो। हाँ वो तो है, वो तेरी बात सही है। अच्छा चोरो दादा, पानी पियोगे? पानी तो पियोगे है ना, पानी तो पियोगे। चोरो दादा के लिए पानी लेके आओ। अबे ये सस्ते थकेले चैनल भाई आ जाना है भाई, दारू मंगा, दारू दारू ला दारू। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, चोरो दादा के लिए दारू लेके आओ जो कि इनके औकात से बाहर है। दारू लाओ, दारू मंगा रहे, आ रही है दारू, आ रही है। A few moments later. शुक्रिया, तू भी पी ले, ले पी ले, ले। अरे दादा काम के टाइम कैसे, मतलब बना दीजिए एक पे, ले ले। शुक्रिया 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 दादा, एक घूट मान लो। मजा आ गई। अच्छा बे एक बात बता, तू गर्लफ्रेंड रही है तेरी? साले क्या बोला दे, क्या बोला? मेरी माँ की साले, चुपचाप जवाब दे नहीं तो मार मार के गांड लायल कर दूंगा तेरे छाला, बोल जल्दी। अपुन का भी प्यार था, अपुन गंदा नहीं था जनाब, अपुन गंदा नहीं था जनाब, अपुन को गंदा बनाया गया है, अपुन गंदा नहीं था। चल मादा चोर। A few moments later. अच्छा दादा, आप कभी वोट देने जाते हो? अच्छा किसको वोट देते हो आप? नहीं रे, जो अपन को सबसे ज्यादा पैसा देता है
अपन उसी का वोट डालता है और अपन के अपने मोहल्ले के अपन पूरा शहर को उसी का वोट डलवाता है। पैसों के अपन की पावर है पावर साला, कोई दूसरे को वोट देके तो देखे, डाल दू साले के नीचे से अपन ही करवाता है सारा, कौन जीतेगा कौन मरेगा सब सब अपन ही सेटिंग करता है, जिसका पैसा उसी की पावर, बात क्लियर है। बहुत हरामी हो। क्या बोला बे, क्या बोला? मतलब नेता लोग बहुत हरामी होते हैं, नहीं? हाँ। अच्छा दादा, ये जो गन है बंदूक, ये असली है? ये गांड पे मार के बताऊं कितनी असली है कितनी नकली? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नहीं नहीं सर। हाँ तो ठीक है, चलो मिलते हैं, खत्म कर लेते हैं। रात को टपरी पे मिलना, साथ में फूकते पीते किसी की गांड में उंगली करते, रात को मिल, चल मिलते हैं फिर। अरे यार घोड़ा तो भूल ही गया था, घोड़ा। A few moments later. ठीक है दर्शकों, तो ये एपिसोड छोटा सा पर यहीं तक था। अभी उसमें क्या है ना, दारू बहुत बची है और होश में मैं इससे सवाल पूछ नहीं पाऊंगा, तो ये एपिसोड यहीं बस खत्म करते हैं। अगला एपिसोड आ सकता है अगर हमारी प्यारी पब्लिक हमसे कमेंट में कहती है कि लाइए लाइए और नया एपिसोड लाइए, तो इसका हम पार्ट टू जरूर से लाएंगे। तब तक आप भी पी के सो जाइए और हम भी पी के सो जाते हैं। तो ये आप भी चूतिया हो चैनल में अब तक के लिए इतना ही था। लाइक शेयर और कमेंट ठोक के जाइएगा। नमस्कार।